सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल माई सेल्फ विक्की एंड यू आर वॉचिंग कोटिया जी ब्लॉग। तो गाइज, आज आपका कोटिया भाई ना आ चुका है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में, इंडियन ट्रेड फेयर जो यहाँ पर दिल्ली में लगता है ना, प्रगति मैदान के अंदर। तो गाइज, आप पीछे देख सकते हैं, यह हॉल नंबर 5 है और ये इसके सामने मैं खड़ा हूँ और ये पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो गाइज, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ना स्टार्ट हो चुका है और आज है 13 तारीख और क्या क्या यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है ना, क्योंकि अभी सारा का सारा कंस्ट्रक्शन वर्क है जो कल से है ना यहाँ पर पूरा का पूरा आपका रेडी हो जाएगा, विजिटर्स के लिए ट्रेड फेयर रेडी हो जाएगा। और 14 तारीख को ना, 14 से लेकर 18 तारीख तक यहाँ पर बिजनेस डेज चालू हैं और बिजनेस क्लास के लिए ना ये एंट्री ओपन है और उसके बाद ना नॉर्मल डेज़ के लिए 18 से लेकर 27 तारीख तक नॉर्मल डेज आप विज़िट कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए आपको दिखाता हूँ क्या माहौल है अंदर, क्या क्या तैयारियाँ हैं, चलिए चलते हैं। तो देखिए गाइस, ये कुछ गेट है और यहाँ से हम एंट्री ले रहे हैं। और अभी यहाँ पर देखिए सारा सामान पैक है, जो यहाँ पर प्रदर्शनी लगाने के लिए स्टॉल्स आए हैं, अभी सारा सामान अभी उनका पैक है। तो गाइस, 2023 का जो ट्रेड फेयर है ना भाई, 14 से लेके 27 तारीख तक ये चलने वाला है, भारत मंडपम प्रगति मैदान जो इसका पॉइंट है, जो जहाँ पर ये व्यापार मेला लग रहा है। और पार्टनर जो इसके अंदर है ना, जो बिहार, केरला और फोकस जिन स्टेट्स पर किया गया है ना, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये कुछ हॉल का नज़ारा है, ये मतलब कि कौन से हॉल में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं आप। भाई क्या लगा रहे हो? सोल्यूशन किस लिए? अच्छा, उखड़े ना लगता है ना तो इकट्ठा हो जाए। अच्छा, तो गाइस ये पूरी की पूरी ना ये चिपकाई जा रही है जिससे कि ये उखड़े ना, किसी के पैर में ना आए, कोई गिरे ना। और ये पन्नियां किस लिए बिछाई है भाई? पन्नी इसलिए बिछाया था कि अभी गंदा ना हो, जब ओपनिंग दिन हटा दें। कल है ना वैसे ओपनिंग, देख सकते हैं गाइस यहाँ पर पन्नियाँ ना प्रॉपर बिछाई हुई हैं ताकि ये फ्लोर है गंदा ना हो और कल जो विजिटर्स हैं उनको आकर यहाँ पर फ्रेश मिले बिल्कुल। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी ना ये कॉफ़ी के, पेप्सी के सारे स्टॉल्स ना खाली है, क्योंकि आज है 13 तारीख और यहाँ पर जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जाएगी, ये स्टॉल्स पर भीड़ बढ़ती जाएगी और ये स्टॉल्स ना प्रॉपर ही अब रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर चाहे वो पेप्सी के स्टॉल हो, चाहे वो कॉफ़ी के स्टॉल हो, फिर सारे के सारे रेडी हो जाएंगे कल तक। और अभी ये खाली है, चाहे वो खाने पीने के स्टॉल हो, सारे के सारे स्टॉल्स आपको प्रॉपर मिलेंगे। हाँ, ये देखिए पूरा का पूरा, वैसे ट्रेड फेयर तो पूरा का पूरा तैयार हो चुका है लेकिन उसको फाइनल टच दिया जा रहा है, चाहे वो पेड़ पौधे लगाकर दिया जा रहा हो, चाहे साफ सफाई के माध्यम से दिया जा रहा हो। आगे आप देख सकते हैं हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है।
गाइज अभी ना यहाँ पर आ जाए 13 तारीख और ना सारा का सारा ना यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और कल तक ये सारा का सारा रेडी हो जाएगा और इसको फाइनल टच दे दिया जाएगा पूरा का पूरा ना। देख सकते हैं आप ये सारा का सारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और जल्दी से जल्दी ना यहाँ पर अपने अपने स्टॉल्स ना सारी कंपनीज ना रेडी कर रही हैं। अब इसके अंदर चल के देखते हैं क्या हाल चाल है, क्या माहौल बना हुआ है अंदर, इसके अंदर चल के देखते हैं। तो गाइस अभी पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, देखिए और क्या माहौल बना हुआ है। ये कल तक सारा रेडी हो जाएगा ना भैया, आप देख सकते हैं। ये देखिए अभी 13 तारीख है, अभी कुछ भी तैयार नहीं है और फाइनल टच इसको जो दे दिया जाएगा ना कल, ये पूरा का पूरा अपना अपना बिजनेस, ये जो बिजनेस क्लास के लिए है 13 से लेकर 18 तारीख तब तक ये सारा का सारा रेडी हो जाएगा। ये देखिए 7D है हॉल नंबर। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ पर ये कोडिंग्स चल रही हैं। सामने देख सकते हैं राहत रूह का ये काउंटर है, यहाँ पर कल तक ये पूरा का पूरा रेडी हो जाएगा ये। और ये देखिए सारे स्टॉक वगैरह लोगों के आ चुके हैं, प्रदर्शनी लगाने वालों के जो जितने भी स्टॉक्स हैं। और ये देखिए कुछ जो फाइनल टच दिया जा रहा है यहाँ पर, देखिए अपने होर्डिंग्स बैनर्स वगैरह ये सारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, ये देख सकते हैं। ये देखिए कल तक ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा विजिटर्स के लिए जो कि बिजनेस डेज में विजिट करेंगे। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो गाइज वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नई नई अपडेट मिलती रहे। और आगे भी ना सर गाइज ट्रेड फेयर के ब्लॉग आते रहेंगे तो बने रहेगा ब्लॉग के अंदर। अभी के लिए गुड बाय।